आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने की ताकत हासिल कर ली है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देश को इस बड़ी कामयाबी की जानकारी दी। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। पूरे ऑपरेशन को मिशन शक्ति का नाम दिया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपने इस मिशन से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं तोड़ा है। भारत हमेशा से अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के विरुद्ध रहा है और इससे इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष मिशन में शानदार कामयाबी के लिए मिशन से जुड़े DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। मिशन शक्ति पर इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर ने दावा किया है कि भारत 2007 में ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च कर सकता था, लेकिन तब इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। माधवन नायर ने कहा कि 2007 में ही भारत के पास ऐसे मिशन की तकनीक थी। The basic technology has been in our possession for quite some time. We could have done way back as when the Chinese did also. But then we were hesitating whether we should do this at all. DRDO के पूर्व प्रमुख डॉक्टर वी के सारस्वत ने मोदी सरकार की इच्छा शक्ति की तारीफ की, कहा कि UPA सरकार के वक्त इस मिशन के लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। डिले इसलिए हुआ कि इसके जो क्लियरेंसेस मिलने चाहिए थे राइट टाइम में, 2012 में मिलते तो शायद हम 2014 में इसका लॉन्च कर सकते थे। उस समय के लोगों ने हमें इसके बारे में कोई खास मोटिवेशन नहीं दिया, क्लियरेंस नहीं दिया, रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि UPA सरकार ने पहले तो वैज्ञानिकों को एंटी सैटेलाइट मिसाइल के परीक्षण की इजाजत नहीं दी और अब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अरुण जेटली ने कहा कि UPA ने वैज्ञानिकों के हाथ बांध रखे थे। भारतीय साइंटिस्ट पिछली दशक से तैयार थे, लास्ट डेकेड से तैयार थे, और सरकार में ये क्षमता नहीं थी, ये स्पष्टता नहीं थी, ये क्लैरिटी नहीं थी कि उनको अनुमति दे। मिशन शक्ति की कामयाबी के ऐलान के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाए और पीएम मोदी पर चुनावी फायदा उठाने के आरोप लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वेल डन DRDO, आपकी इस उपलब्धि पर हमें बहुत गर्व है। मैं प्रधानमंत्री को वर्ल्ड थिएटर डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। BSP समाजवादी पार्टी ने भी PM पर मिशन शक्ति का चुनावी श्रेय लेने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री जेटली ने सबका जवाब दिया, जो अपनी गलत पीठ थपथपाते हैं अपने फेलियर्स के लिए, उनको याद रहे कि उनकी जो कहानी है उसके फुटप्रिंट्स बहुत लंबे हैं और कहीं ना कहीं इस झूठ के फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन की जांच के लिए अफसरों की एक टीम बना दी है। CPM महासचिव सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग को आज चिट्ठी लिखी थी। फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर आज कांग्रेस में शामिल हो गयी। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गयी। पार्टी उर्मिला को मुंबई नॉर्थ सीट से चुनाव में उतार सकती है, क्योंकि ना मैं यहाँ चुनाव के चलते मैंने पार्टी ज्वाइन की है, ना मैं चुनाव के खत्म होने के बाद पार्टी से दूर जाने वाली हूँ। आई एम हियर टू स्टे, आई एम हियर बिकॉज आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस, आई बिलीव इन व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। वहीं भोजपुरी फिल्मों के एक्टर निरहुआ आज BJP में शामिल हुए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। माना जा रहा है कि BJP आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ निरहुआ को टिकट दे सकती है। भोजपुरी एक्टर रवि किशन गोरखपुर से BJP के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मिशन शक्ति के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी है। राठौर ने कहा है कि कुशल नेतृत्व की वजह से ही भारत आज अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार गिराने की ताकत हासिल कर पाया है।
अगर कोई सैटेलाइट जो हमारे देश के ऊपर स्पाइंग कर रही है, हमारे सिग्नल्स, हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर इंटरफेरेंस कर रही है, अर्ली वार्निंग का काम कर रही है, तो उसको जरूरत पड़ने पर हम मार गिरा सकते हैं। राठौड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना को कभी पूरा न होने वाला वायदा करार दिया। जमीन पांव के नीचे से खिसकने लगती है, जब अपना अस्तित्व खत्म होता दिखता है तो फिर इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जिसे पता है कि उनकी सत्ता नहीं आनी, वो तो चांद को भी नीचे लाने की बात करेंगे।